my dear students, I am Mudita and you are joining Mudita IAS Warriors. So students, ये आपकी वर्कशीट 26 है जो आपको 7th of September को प्रोवाइड की जाएगी और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण. हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका. आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिर संविधान है क्या. तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, संविधान हमारी वो नियम और कानून की किताब है, या आप इसे रूल बुक बोल सकते हो, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किसी देश को कैसे चलाना है. मतलब इसमें ये भी लिखा है कि देश की शासन व्यवस्था कैसे होगी, यहाँ पे किस किस का पद होगा, कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, जनता के लिए क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है और इसे हम बोलते हैं संविधान. ओके, दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके. कोई भी देश हो, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए एक रूल होता है ना कि यहाँ पे एक हाईएस्ट पोजीशन होगा जहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद टीचर्स होंगे, फिर उन बच्चों को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कैसे क्लासरूम बनाए जाएंगे, कुछ नियम कानून होते हैं. इसी तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक नियम और कानून होते हैं जिससे किसी भी देश को चलाया जा सके. यहाँ तक कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के चलाने के लिए भी कानून और कायदे की ज़रूरत होती है. जैसा मैंने आपको कहा, किसी ऑफिस को कैसे चलाना है, किसी स्कूल को, इन सभी के लिए हमें नियमों की ज़रूरत होती है. संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है. संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है. तो संविधान क्या है? संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या कानून होंगे, क्या नियम होंगे और यहाँ पे किसके क्या दायित्व होंगे. भारत में संविधान की सर्वोच्च कानून होता है, यानी भारत में जो संविधान है उसको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है. संविधान हमारे लिए, जैसे हमारे लिए कोई धार्मिक पुस्तक है, वैसे ही संविधान को मानते हैं, क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस संविधान को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था. इस संविधान द्वारा नागरिकों को नागरिकों के साथ, नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या रिलेशन होगा, कैसे नियम होंगे और जनता और नागरिक के बीच क्या नियम होंगे. संविधान के कार्य क्या हैं? देश में एक साथ रहने के लिए लोगों को आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना, कि लोगों के अंदर यूनिटी की भावना आए कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं. देश में सरकार कैसे बनेगी, काम कैसे करेगी, डिसीजन कैसे लेगी, है ना, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? संविधान बताता है. सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, कि सरकार को एक लिमिटेड अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सरकार जो पावर में होगा वो कुछ भी कर सकता है, ये भी कौन डिफाइन करता है? संविधान. और नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है, इसका मतलब सरकार बदलती रह सकती है लेकिन नागरिकों के जो अधिकार हैं वो हमेशा वही रहेंगे. जैसे आपके पास शिक्षा का अधिकार है, वो हमेशा वही रहेगा कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है, क्योंकि ये कौन बता रहा है? ये हमारा संविधान बता रहा है. सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, ठीक है, तो ये सारे काम हैं. जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान जरूर होता है, उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि, तो इन सब के अपने संविधान हैं. लोकतंत्र संविधान को मान्यता प्राप्त है, धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान को अपनाया जा रहा है. लिखित क्या होता है? देखिए, दो तरीके का संविधान होता है, लिखित, जहाँ पर हमारे पास लिखित एक डॉक्यूमेंट है, और एक कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर लिखित नहीं होता, वहाँ पर सारे रूल तो हैं लेकिन उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है. जैसे इंडिया में लिखित है, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो रूल्स को मानते हैं बट उनके पास लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्री जो हैं वो लिखित संविधान को ज़्यादा भरोसा करती हैं और लिखित संविधान को अपना रही हैं. क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो पहले में बोला है संविधान किसे कहते हैं, दूसरे में बोला है किसी देश में संविधान का क्या कार्य होते हैं, ठीक है, तीसरे में बोला है लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान को क्यों अपनाते हैं, फोर्थ में बोला है कि भारत के सरकार के अधिकारों तथा सीमा और नागरिक के अधिकारों में क्या अंतर है, और फिफ्थ में बोला है क्या आप कभी भी नियम कानून का पालन करते हैं. तो इन सभी के आंसर हम लोग देख लेते हैं स्लाइड पे, और स्लाइड पे हम आंसर देखें उससे आपसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सारी हेल्प होती रहे. प्रश्न में बोला है संविधान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश के सभी नागरिक को करना होता है, तो ये दिस इज अ रूल बुक.
ओके इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि संविधान के कार्यों को बताइए। तो संविधान के मुख्य कार्य क्या होते हैं? देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर आपसी सहयोग बनाना, जिससे लोग एक साथ मिलके रह सकें और उनमें यूनिटी यानी कि एकता की भावना का विकास हो। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे देश को चलाया जाएगा, ये सारी जो बातें हैं इसको स्पष्ट करता है संविधान। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि भाई जो प्रधानमंत्री है ना वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये वो तभी कर सकते हैं जब ये चीज़ होंगी। तो इससे जो सरकार के अधिकार हैं उसको लिमिट करता है कि ऐसा नहीं है कि आप सरकार बना लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड है। अगर आप चाहें तो इसके दो ही पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड में बोला है लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है और जो लिखित डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट होता है चीज़ें, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि देखिए ये रिटर्न में इतना है, जैसे बोलते हैं ना भारत के संविधान में आर्टिकल 23 में इतना लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 हटाया गया तो इतने में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ओरल चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन किया जा सकता है, इसलिए लिखित डॉक्यूमेंट को लोग ज़्यादा अपनाते हैं। इसके बाद फोर्थ में आपसे बोल रहा है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है। तो सरकार की सीमा का अर्थ है कि सरकार कौन से कार्यों को करेगी, ठीक है, उसके पास कितनी शक्ति है काम को करने की नहीं करने की, और नागरिक के अधिकार मतलब नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी जाती है। पांचवें में बोला है आपने अनुभव से बताएं क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ मैं भी नियम का पालन करता हूँ, जैसे स्कूल जाने पर COVID-19 के नियमों का पालन या फिर सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन। इसके अलावा और भी जो नियम हैं उन्हें मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वर्कशीट।